हाय गाइस, IBPS PO का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया आज। एंड जिसको मेरा डायरेक्टली रिजल्ट जाना है, तो मेरा नहीं हुआ IBPS PO में। एंड मैं बताऊँ तो मैं 2022 वाला जो साल था, वो साल मैंने बहुत मेहनत की थी कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। और वो साल मैंने बहुत मेहनत की थी। फिर मेरा SBI क्लर्क क्रैक हुआ था। उसके बाद मेरी 2023 में जॉब लगी, ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। फिर मैं जितनी मेहनत मैंने 2022 में की थी, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मैंने 2023 में की है। पूरा 2023 का साल, इवन आफ्टर माई जॉब, मैंने बहुत मेहनत की है, हर एक दिन मेहनत की है। मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर लिया था लास्ट ईयर, मेरा यूट्यूब भी चल रहा था, तो मुझे यहाँ भी करना था। तो मैंने कई सारी चीज़ों को साथ में लेकर मेहनत की है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मेरा IBPS PO प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर था, 18 मार्क्स कुछ ज़्यादा ही थे कट ऑफ से। IBPS PO मेंस में भी मेरे अच्छे स्कोर थे। मैंने IBPS PO मेंस में मेरे 10.5 मार्क्स ऊपर थे कट ऑफ से। एंड मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया विद दिस बिजी स्केड्यूल, मैं इतने मार्क्स ला पाई, मैं उसमें ही खुश थी। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि मेरा रीजनिंग में और GA में और मार्क्स आने चाहिए, उसमें कम हो गए, दोनों ही सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े कम हो गए एक्सपेक्टेशन से। रीजनिंग में अराउंड मैंने 8 to 10 एक्सपेक्ट किया था, GA में भी मैं अराउंड 7-8 इतना तो मिनिमम में एक्सपेक्ट कर रही थी। ऑल्दो इस बार मैं इतना GA पढ़ नहीं पाई थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी। मैं एक बार तो पढ़ ली थी, एक बार मेरी पढ़ाई हो गई थी GA की, लेकिन जो रिविजन था वो मैं नहीं कर पाई। और मैं जनरली क्विजेस के थ्रू और ये सब के थ्रू मैं रिविजन करती हूँ, बट वो नहीं हो पाया इस बार। एंड इसलिए वहां जाके मुझे सब मिक्स्ड अप सा फील हो रहा था। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, वॉट एवर, आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि मेरे प्रीमियम मेन्स में अच्छे मार्क्स थे। फिर जो थर्ड स्टेज था इंटरव्यू का, इंटरव्यू वॉज रियली गुड। मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, और द पैनल वॉज रियली सेटिस्फाइड मुझसे। पैनल, मुझे लग रहा है कि पैनल तो बहुत सेटिस्फाइड थे, क्योंकि देवर स्माइलिंग पूरे टाइम पे। वो लोग, कभी भी ये नहीं था कि मैं कोई भी आंसर नहीं दे पाई, ऐसा नहीं हुआ था। वो लोगों ने बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे, RBI के फंक्शंस और ये सब, और मैंने बेसिक वो सारे के आंसर्स दिए ही थे। इसके अलावा जो रही बात कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग कर रहे थे, मुझे 2-3 क्वेश्चन उसके जवाब नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं कॉमर्स रिलेटेड ज्यादा पढ़ के नहीं जा पाई थी। एंड ऑब्वियसली मैं पूरा बैठ के कॉमर्स तो नहीं पढ़ सकती थी। मेरा जो ग्रेजुएशन था वो कोविड के टाइम हुआ था, और वो ऑनलाइन मोड पर हुआ था, तो मैंने कॉमर्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। उसके पहले मैं मैथ्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ। तो यस, कॉमर्स रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए थे, बट एक इंटरव्यू में ऐसा हमेशा होता है कि आप 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आते, आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना होता है। ये मुझे पहले से पता था कि ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ तो मुझे नहीं आता होगा, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं स्माइल करके उनको बोल रही थी कि नहीं सर, मुझे नहीं पता, आई रीड अबाउट इट एंड लाइक दैट। एंड दे वर सेटिस्फाइड, बट स्टिल दे गेव मी 65 मार्क्स ओनली इन द इंटरव्यू। एंड दिस इज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रडिक्टेबल कि इतने कम मार्क्स दे गए यार, 65। लाइक द बेयर मिनिमम आई थॉट वॉज अराउंड 70 और 75। लाइक आई थॉट कि 70 प्लस तो मुझे मिनिमम में मिल ही जाना चाहिए, एंड दे गेव रियली लेस मार्क्स। आई डोंट नो वाई, बट वो लोगों ने लास्ट में बोला भी, नाइस टॉकिंग टू यू। वो लोगों ने, वो GM सर पूछ रहे, आप किसके साथ आई हो, कहाँ स्टे की हो, मतलब देवर, वो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मुझसे बात कर रहे थे। मैं जबकि उठ भी गई थी, मैं थैंक यू बोल के खड़ी हो गई थी, निकल रही थी, तभी वो लोगों ने रोक के बोला कि नाइस टॉकिंग टू यू, कहाँ स्टे कर रही हो, किसके साथ आई हो, एंड टेक अ चॉकलेट। सो आई फेल्ट एवरीथिंग वॉज गुड, एंड इट्स ओके, इट हैपन्स। कल मैंने एक वीडियो डाला था, कल मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, बिकॉज रिजल्ट आने वाला है, बहुत ऐसे नॉस्टैल्जिया हो रहा था, पिछली कई फेलियर्स याद आ रहे थे अपने, कई बार फेल हुई हूँ मैं, तो इसलिए कल मैंने वीडियो भी शेयर किया था। एंड आप लोगों के जितने भी लवली कमेंट्स आए हैं वीडियो में, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज कि आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला। कल मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आई विश हो जाता बट नहीं हो पाया। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, हम आगे बढ़ेंगे एंड विल ट्राई आर बेस्ट। ये नहीं तो इससे कुछ अच्छा ही लिखा होगा, आई एम श्योर, बिकॉज आई एम द पर्सन हु वर्क्स हार्ड, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड दैट्स इट, नोबडी कैन स्टॉप मी। सो इसलिए हम आगे तैयारी करेंगे, देखते हैं आगे क्या कैसा करेंगे, आई अपडेट यू गाइस फॉर श्योर, एंड विद टाइम आई डेफिनेटली लेट यू नो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या टारगेट कर रही हूँ। तब तक के लिए मैं कई, मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रिलिम्स क्रैक किए अभी तक, मेन्स कई क्रैक कर चुकी हूँ, एक तो मैंने फाइनल सिलेक्शन भी लिया है। तो आई विल कीप गाइडिंग यू गाइज, अगर आप लोगों को मेरी हेल्प
आप लोगों के मेरी वीडियो से कोई हेल्प होती है तो फॉर श्योर आई लव टू गाइड, बिकॉज देयर आर मेनी न्यू एस्पिरेंट्स जो नए नए आए हैं इस फील्ड में, उनके लिए थोड़ी सी गाइडेंस ही बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरे को भी करना करती थी थोड़ी थोड़ी गाइडेंस कहीं से मिल जाए और वही सब समअप करके मैंने क्रैक कर लिया था एग्जाम, राइट? सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.